सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो ये सेशन, अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने क्लास में काफ़ी सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, तो इसका एक जो कोर्स हुआ था, और तो उसमें एक स्टूडेंट, उन्होंने नोट्स बनाए, तो उसके माध्यम से ही हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रीलिम्स के लिए आपका जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये टॉपिक्स आपके लिए हैं, ये ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कई सारे टॉपिक्स आएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, एक एक करके जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपको बस जो की पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेना है, हो सकता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ये जो लिखा हुआ है वो आपको विजिबल है कि नहीं है, बट मैं साइड में लिखता चला जाऊँगा तो उससे आप लोग को जो है आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने में और नोट डाउन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला जो है एक टॉपिक आपका आता है, दैट इज हॉट मानसून, ठीक है। हॉट मानसून, अब इसमें देखो, हॉट मानसून की बात अगर किया जाए तो कंटिन्यूस बेसिस में जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि जो हीट वेव्स हैं वो हीट वेव्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे जो स्टेट्स हैं, चाहे है ना गुजरात है, अहमदाबाद है, उड़ीसा है, कई सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा है, उसके अलावा गुजरात है, अहमदाबाद है, इन सारे स्टेट्स के अंदर आपके अपने ही हीट एक्शन प्लान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें देखो, एक टर्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ हीट आइलैंड, हीट अर्बन हीट आइलैंड शब्द याद रखना है। देर इज दिस टर्म कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड। तो ये क्या होता है ये हमें जानना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई भी एरिया, आप अगर सपोज कोई भी एरिया लो, कॉन्क्रीट एरिया है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये एक अर्बन एरिया है, और इसमें ये बड़ी बड़ी आपकी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो जब सूरज की रोशनी आती है, तो क्योंकि ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे मान लो आप कभी गर्मी में बाहर निकलो, और जब गर्मी में आप बाहर निकलोगे तो उसमें यू विल फाइंड कि आप ये देखोगे, आप है ना, जैसे अगर आप कभी रोड को अपने पैर से टच करो तो आप खुद देखोगे कि जो मतलब टेम्परेचर वो बहुत हाई रहेगा, बहुत हाई रहे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो देखने को आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, जहाँ पे भी आप कोई पानी वाली बॉडी, जैसे वेटलैंड है या पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उसकी जगह कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो हीट का एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होता चला जाता है। तो अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट क्या है कि जितना भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, इसमें सूरज की रोशनी काफ़ी अधिक आ जाती है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो हीट है, जैसे मान लो हीट है, जैसे ट्रैप होती है, फिर जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो रेडिएट बैक होती है हीट। अब क्योंकि आसपास सारी बिल्डिंगें हैं, सिर्फ वही कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ये रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये रीजन पूरे के पूरे का रीजन अपना एक तरीके से पूरे पूरे तरीके से इस पूरे के पूरे रीजन में हीट ट्रैप रहती है, यहाँ पे हीट ट्रैप रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये अर्बन हीट आइलैंड होता है, तो इसमें जनरली ये भी कहा जाता है कि जो अर्बन हीट आइलैंड है, तो यहाँ पे आसपास का जो टेम्परेचर है, ये लगभग 6-6, 7-7 डिग्री टेम्परेचर हायर होता है आसपास के रूरल एरियाज से। और कंटिन्यूस बेसिस में अगर देखा जाए, तो कंटिन्यूस बेसिस में जो हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ये हवाएं, क्योंकि हीट जब भी होगी तो हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, और ये हवाएं इधर मूव करके आसपास का, अगर मान लो रूरल एरिया है, वहाँ पे ये हवाएं आपकी सेटल होती चली जाती हैं, हवाएं सेटल होती चली जाती हैं। तो जब आपकी हवाएं इस तरीके से पूरे सेटल होती चली जाएंगी, तो जो पॉल्यूशन है या जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पॉल्यूटेंट्स बेसिकली आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं इन एरिया से, लो प्रेशर का जो एरिया है, जो कि जो आपके सिटी वाला इलाका है, वहाँ से पोल्यूटेंट जो है वो इस जगह पे जाके सेटल कर सकता है। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ऑल्सो। तो पोल्यूटेंट का ट्रांसमिशन भी अर्बन हीट आइलैंड के फॉर्मेशन की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। दूसरा देखो, यहाँ पे एक आपके लिए एक टॉपिक आता है, वो है
विरुंगा नेशनल पार्क, ठीक है, टॉपिक आता है दैट इज विरुंगा नेशनल पार्क, ठीक है, देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज विरुंगा नेशनल पार्क, ठीक है, विरुंगा नेशनल पार्क। तो ये जो विरुंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है, दिस विरुंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड, विरुंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है जो कॉन्गो का इलाका अफ्रीका का है वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि देयर इज दिस प्लेस इन अफ्रीका कॉल्ड एज विलिंग कॉन्गो, वहाँ पे ही आपका विरुंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। एंड एक माउंटेन है दैट इज आर डब्ल्यू ई एन जेनरी माउंटेन्स, ये जो माउंटेन्स हैं वो यहाँ लोकेटेड है। और प्लस एक आपकी जो शमलिकी नाम की एक रिवर भी है जो इस रीजन के अंदर है, ठीक है, देर इज दिस रिवर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस रिवर यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर, जो इस रीजन के अंदर लोकेटेड है। तो ये विरुंगा नेशनल पार्क न्यूज में था, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अंटार्कटिक बहुनिया वाही, ये एक न्यूज में अभी था, ठीक है, ये आप याद रखो, दैट इज बहुनिया वाही। तो ये क्या है बहुनिया वाही, तो ये क्या है बेसिकली, बहुनिया वाही बेसिकली क्या है, इट्स अ क्लाइंबिंग श्रब, याद रखो, इट्स अ क्लाइंबिंग श्रब, मतलब क्लाइंबिंग श्रब का मतलब जो पेड़ होता है उस पेड़ में ये ऊपर ऐसे क्लाइंब करके जाती है, चढ़ के जाती है, ठीक है, क्लाइंबर के रूप में ये होती है, इस समय ये न्यूज में थी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एंटार्क्टिका ट्रीटी, देखो हमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक फटाफट रिवाइज करना है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है एंटार्क्टिक ट्रीटी, एंटार्क्टिक ट्रीटी याद रखो, एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में याद रखना है पहला कि ये ट्रीटी आपकी साइन कब हुई, ये ट्रीटी बेसिकली जो ये ट्रीटी है ये ट्रीटी आपकी साइन कब की गई है, तो ट्रीटी आपकी साइन कब की गई है ये पॉइंट याद रखना है, तो 1959 के अंदर ये ट्रीटी आपकी आई थी, फैक्ट पहला फैक्ट याद रखना है। अब इस ट्रीटी में कौन कौन सा, एंटार्क्टिक एक ऊपरी नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन है, साउथ पोल में आपका एंटार्कटिक रीजन है, तो कौन कौन से देश हैं जो इसमें हैं, एक तो अर्जेंटीना याद रखो, ऑस्ट्रेलिया सुनते जाओ अगर ये दिख रहा हो तो ये देख भी लो, बेल्जियम है, चिली है, फ्रांस है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, इवन इसमें एंटार्कटिका ट्रीटी में नॉर्वे भी है, साउथ अफ्रीका है, यूके है, यूएस है, यूएसएसआर है, ये मिलके आपके जो ये ट्रीटी है वो उस ट्रीटी को साइन किए थे। और ये जो ट्रीटी है खास तौर से कहाँ एप्लीकेबल है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का जो रीजन, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का जो रीजन है उसके बियॉन्ड का जो भी रीजन है जो उसे हम एंटार्कटिक रीजन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, अब यहाँ पे इसमें आर्टिक रीजन है, यू हैव दिस रीजन कॉल्ड एज आर्टिक, इस रीजन में देखोगे तो इस रीजन को हम बोलते हैं एंटार्क्टिका, ठीक है, या साउथ पोल बोलते हैं। तो 60 डिग्री जो नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसके जो नीचे का इलाका है, ये जो पूरा का पूरा नीचे का इलाका है, ये पूरा जो नीचे का इलाका है, इस नीचे के इलाके में, ठीक है, ये जो नीचे का इलाका है इस रीजन में, एंटार्क्टिका का जो रीजन है वह, ये ट्रीटी 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद ये ट्रीटी आपकी एप्लीकेबल होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, कौन कौन सी कंट्रीज ये ध्यान में रखना। और खास तौर से देखो इस ट्रीटी में क्या क्या बातें हैं कि मतलब साइंटिफिक रिसर्च इस रीजन में कैसे प्रमोट किया जाए, दूसरा कि किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्टिविटी ना हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, मिलिट्री एक्टिविटी ना हो, ये सब चीज़ें आपकी फोकस जो है वो की गई हैं, ठीक है, दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड। दूसरा टॉपिक देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक टॉपिक आपके लिए आता है जिसे हम कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, वी कॉल इट एज हीट डोम, ठीक है, जैसे हीट डोम का फॉर्मेशन है, ये हीट डोम का फॉर्मेशन ही आपके जो हीट डोम है, हीट डोम का फॉर्मेशन बेसिकली बेसिकली हीट वेव्स के लिए, यूएस का जो इलाका है उन जगहों में हीट वेव्स के लिए ये आपका जिम्मेदार था, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना क्या है हीट डोम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया है, अब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, चीज़ें जैसे मान लो गैस में अगर आप पानी रखोगे तो क्या होगा, गैस में अगर आप पानी रखो तो जो पानी है वो पानी धीरे 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 अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो वो पानी इवापरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, इवापरेट होकर, ऐसे ही अगर हवाएं गर्म होती हैं तो हवाएं ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और जो हवाएं ऊपर की तरफ मूव करेंगी और जगह खाली होगी वहां से
हाई प्रेशर से हवाएं नीचे इस इलाके में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस रीजन में जो हवाएं हैं वो हवाएं अगर सपोज करो जैसे ये जो रीजन है, इस रीजन में जो हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो दूसरी जगह से हवाएं इसकी तरफ आपके लिए मूव करती हैं, खाली जो जगह क्रिएट होती है, तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, आसपास की ठंडी हवाएं यहाँ पे आती हैं। अब होता क्या जनरली कि कई बार ये देखने को मिला है, जिसे हम हीट डोम की बात करते हैं, कि जो हवाएं हैं जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये स्प्रेड नहीं हो पाती हैं। रादर क्या होता है कि ऊपर से जो हवाएं हैं जो कि हाई प्रेशर में होती हैं, वो हवाएं क्या होती हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से आती हैं, और ये गर्म हवाएं, ये जो पूरी की पूरी आपकी गर्म हवाएं हैं, इनको ये ट्रैप कर लेते हैं। मतलब ये जो ऊपर से हवा सेटल कर रही है, ये हवा जो सेटल कर रही है वो इन हवाओं को बाहर की तरफ स्प्रेड नहीं होने देती। तो बहुत समय तक ये गर्म हवाएं इसी जगह पे ट्रैप रहती है, बहुत समय तक ये हवाएं ट्रैप रहती है। ये जब स्थिति बनती है कि ऊपर से जो ठंडी हवाएं सेटल हो रही हैं और ये हवा को ट्रैप करके रखती हैं बहुत समय तक, ये जो गर्म हवाएं इनको ट्रैप करके रखती है, और जब ये हवाएं गर्म आपकी इस जगह पे ट्रैप रहेंगी तो आसपास के जितने भी इलाके होंगे वहां पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है हीट डोम। ये शब्द आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज, इसी को जो एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट वी कॉल इट एज हीट डोम। हीट डोम बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, ये हीट डोम बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है फॉर वी कैन से, जो ये हीट डोम है, ये हीट डोम बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, एक जो हाईलाइट किया जाता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट वेव्स, जो पूरा का पूरा रीजन है, कई इलाके अगर बात करें तो वहाँ पे हीट वेव्स के लिए ये रीजन आपका रेस्पॉन्सिबल है, हीट वेव्स के लिए, ये टेम्परेचर इंक्रीज के लिए आपका ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको अर्बन हीट आइलैंड बता दिया, हीट डोम का कंसेप्ट है वो बता दिया, एक कंसेप्ट और भी देखो, वो भी आपको ध्यान में रखना है, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज, दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज एटलांटिफिकेशन। ठीक है, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज एटलांटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन आर्टिक रीजन, जो आर्टिक रीजन है, जब आर्टिक रीजन इट अटेन्स, आर्टिक रीजन क्या है, इट अटेन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, अटेन्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू एटलांटिक ओशन, सिमिलर टू एटलांटिक ओशन, इसे एटलांटिफिकेशन बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे आर्टिक रीजन क्या है, आर्टिक रीजन पूरे तरीके से स्नो से कवर्ड है, ठीक है, स्नो से कवर्ड है, तो मान लो ये है और ये पूरा का पूरा जो रीजन है स्नो से कवर्ड है आर्टिक रीजन, तो ऊपर बहुत ठंडा होगा, नीचे नीचे जैसे आप जाओगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो ऊपरी सतह बहुत गर्म होती है और बर्फ के नीचे जो है ये जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, ये आर्टिक रीजन की प्रॉपर्टी है। लेकिन अटलांटिक ओशन की क्या प्रॉपर्टी है कि ऊपर जो पानी होगा वो टेम्परेचर आपका हायर होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, और जैसे जैसे पानी में आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर आपका लोअर होगा, मतलब आर्टिक ओशन से डायरेक्ट अपोजिट अटलांटिक ओशन की के पानी की प्रॉपर्टी है। अब हो क्या रहा है कि देयर इज अ, मतलब एक लेयर है, वो लेयर आर्टिक और अटलांटिक को अलग करती है। अब हो क्या रहा है, व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग कि बिकॉज, मतलब हो क्या रहा है कि बिकॉज कंटिन्यूस बेसिस पे हीट की वजह से जो स्नो है वो स्नो की मेल्टिंग हो रही है, स्नो की मेल्टिंग हो गया रही है, बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है कि अब जहां बर्फ होती थी, वो बर्फ की प्रॉपर्टी क्या है कि जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, ये पूरे तरीके से इस तरीके से, जैसे सूरज की जो रोशनी पड़ेगी, ये जो सूरज की रोशनी इस तरीके से पड़ेगी तो पूरा जो बर्फ की प्रॉपर्टी होती है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे हम क्या बोलते हैं एल्बिडो। पानी क्या करता है, पानी जो है पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी क्या करता है एब्जॉर्ब करेगा, और सूरज की रोशनी क्या करती है, बेसिकली सूरज की जो रोशनी है मतलब सूरज की रोशनी बेसिकली पानी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन बर्फ क्या करेगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका। तो यहाँ पे क्या है, जब स्नो की मेल्टिंग होगी तो स्नो इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, स्नो क्या है, स्नो बेसिकली किसकी वजह से रिप्लेस हो रहा है, वाटर की वजह से, और जब स्नो वाटर से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्नो है, दैट स्नो इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वाटर, तो फिर क्या होगा कि जो आर्टिक रीजन है जहाँ पहले बहुत ज्यादा स्नो था अब पानी है, तो इट विल अटेन द सेम प्रॉपर्टी एज द एटलांटिक ओशन, और एटलांटिक ओशन का पानी भी
जो है वो भी धीरे धीरे नीचे से, नीचे से जो नीचे समुद्र का, जो नीचे का इलाका है वहाँ से आर्कटिक रीजन तक पहुँच रहा है और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है आर्कटिक रीजन में। तो ये जो है इसको हम एटलांटिफिकेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको जल्दी जल्दी कराए दे रहा हूँ। दूसरा देखो, दूसरा एक टॉपिक आपको जो आपको याद रखना है, दैट इज आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट, ABOE बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट, ठीक है, आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट, ये याद रखो, दैट वी कॉल इट एज आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट। इसका क्या मतलब हुआ, आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट का मतलब समझते हैं। तो देखो, आर्कटिक जो ब्लू ओशियन इवेंट है, आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट की का मतलब क्या हुआ कि जो आर्कटिक रीजन है जो कि स्नो से ढका हुआ है वो ब्लू ओशियन से रिप्लेस हो जाए, ब्लू ओशियन से रिप्लेस हो जाए। मतलब क्या है कि जो स्नो है, दैट स्नो इज रिप्लेस्ड बाय ओशियन, मतलब स्नो पिघल के पानी में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऐसी स्थिति आएगी जब आर्कटिक रीजन का स्नो पूरे तरीके से कन्वर्ट होके आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है वो रीजन पूरा पूरे पूरे तरीके से कन्वर्ट होके स्नो से कन्वर्ट होके ब्लू ओशन में हो जाएगा, तो वो जो स्थिति है उसको बोलेंगे आर्कटिक ब्लू ओशन इवेंट। तो आप खुद इमेजिन करो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है, कितना ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो पूरा बर्फ होता था वहाँ पानी होगा, और उस बर्फ में जो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब वो बर्फ, अब पानी की वजह से वो पूरी सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होगी, हीट और अधिक होगा, तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो आपका अफेक्ट होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, व्हाट बेसिकली इज आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने आपको एटलांटिफिकेशन बता दिया और आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक है दैट इज लेमूरिया आइलैंड, लेमूरिया आइलैंड। तो लेमूरिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया कि जैसे मान लो एक थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपने क्या पढ़ा कि मतलब पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया बोलते थे, उसके चारों तरफ समुद्र था, उसे पैंथैलसा बोलते हैं। और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो क्या है, ये सुपर कॉन्टिनेंट पहले एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, फिर धीरे धीरे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर गए, ठीक है। जब दूर गए तो क्या होता था कि जैसे मान लो सपोज करो कुछ एरियाज में कुछ एरिया के में कोई बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है या कुछ प्रेजेंट है ना, तो बिकॉज ऑफ कि पहले वो एक साथ थे फिर दूर चले गए, पहले साथ थे फिर दूर चले गए, या पहले दूर थे अब पास आ गए, बिकॉज ऑफ दैट दैट फैक्टर कई जगहों में जो बायोडाइवर्सिटी में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इट मीन्स व्हाट कि आज के समय हम सोचे यार ये उतनी दूर आइलैंड है, सेम बायोडाइवर्सिटी यहाँ भी क्यों मिल रही है, तो ये जो सिमिलैरिटी के पीछे एक जो एक फैक्टर हाईलाइट किया गया है वो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हाईलाइट किया गया। और इसमें एक लैमूर करके एक जीव होता है, बंदर की तरह होता है, लैमूर जिसे बोलते हैं, वो आपका प्रेजेंट है। अब इसमें देखो क्या बोला गया कि ये जो लैमूर है ये बेसिकली एक लार्ज लैमूरियन आइलैंड जो है वो इंडिया और मेडागास्कर के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और बीच में एक लैंड, मतलब इंडिया और मेडागास्कर के बीच में प्रेजेंट है, उसके नीचे एक लैंड, बीच में एक लैंड एरिया था जो कि समुद्र में डूब गया है, ठीक है, समुद्र में बीच में डूब गया। तो आपको ये ध्यान में रखना कि एक लार्ज आइलैंड है जो कि एग्जिस्ट करता था इंडिया और मेडागास्कर के बीच में, जिसे हम लेमोरिया आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसे एक और, जैसे एक और आइलैंड है जिसे कुमारी कंडम बोलते हैं, वो मतलब तमिलनाडु के अराउंड रीजन था, वो भी पूरे तरीके से, ये भी आइलैंड आपका समर्ज गया। तो आपको याद रखना लेमोरिया आइलैंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। दूसरा देखो, एक देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज ADNA। ये वैसे जनरली न्यूज में था तो इसलिए याद रखना है। ADNA का मतलब होता है एंशियंट DNA, ठीक है, एंशियंट DNA। सो एंशियंट DNA या ADNA की अगर हम बात करें तो क्या मतलब हुआ इसका, एंशियंट DNA या ADNA जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स व्हाट, कोई भी पुरानी चीज, आज से हजारों साल पहले कोई हड्डी मिली हो, कुछ हो, उसका आपने जो DNA निकाला उसे ADNA या एंशियंट DNA बोलेंगे। उसको हम निकालेंगे, स्टडी करेंगे और फिर हम
देखेंगे कि अच्छा ये एडीएनए है और उसके बेसिस पर हम जानेंगे कि पहले के टाइम पे जो जीन्स हैं वो किस प्रकार की प्रेजेंट थी, क्योंकि आपने आज से हजारों साल पहले कोई स्पीसीज थी उससे एंशंट मतलब जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसके बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो। तो इस साल पैलियो जीनोमिक्स का एक एरिया है जिसमें नोबेल प्राइज भी मिला है। पैलियो जीनोमिक्स का मतलब होता है कि जो ये फॉसिल्स होते हैं, जो पुराने जो आपके रिमेन्स मिलते हैं उसको आप लेकर और उनकी स्टडी करते हो पहले जीनोम, ठीक है, तो उनकी स्टडी करते हो, उनके जो जीनोम है जेनेटिक स्टडी जो है वो हम करते हैं, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ध्यान में रखना, ये तो कॉमन से पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना, अभी लेटेस्ट एक स्टडी हुई है उस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि जो मून है, मून के अंदर जो मून है उसमें हीलियम जैसी जो गैसेस, याद रखना हीलियम नियॉन जैसी जो गैसेस हैं जो कि आपकी नोबेल गैस कंसीडर किए जाते हैं, तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, लेटेस्ट स्टडी कहती है कि अर्थ का जो मेंटल है, अर्थ का जो मेंटल है वो उसका सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। अर्थ का जो मेंटल है दैट इज द बिगेस्ट सोर्स, ठीक है, ये चीज आपके हाईलाइट किया गया कि अर्थ का जो मेंटल है, मेंटल क्या है, अर्थ के ऊपरी सतह को क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल, फिर आपका कोर है, तो इवन कोर में भी अभी इनर मोस्ट कोर, आउटर कोर, फिर उसके नीचे एक और एक लेयर अभी मिली है, तो पांच लेयर टोटल हो गई। तो जो मेंटल है उस वो मेंटल एक सोर्स है आपका जो मून में नोबल गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एक टर्म और याद रखना, दैट इज टॉम डूली, TOM, टॉम डोले करके ये टर्म याद रखना, टॉम डोले। टॉम डोले क्या है, टॉम डोले बेसिकली जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं मास, इसे कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसका नाम टॉम डोले है, उसके बेसिस पर हम जो भी चीज, जैसे मान लो कोई मेट्रॉइड है या बाहर से कोई भी चीज़ आती है, उसके बारे में हम, हमारी जो जानकारी है हम उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो जो जानकारी है उस जानकारी को हम इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसे हम टॉम डोले जो है वो कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश फ्लड में डेफिनेशन याद रखो, जैसे एकदम से पानी भर जाना कहीं पर, तो यहाँ पर कहा गया कि अगर मान लो बारिश हो रही है बहुत तेजी से, तो लगभग हैवी रेनफॉल फॉर लेस देन 6 आवर्स फ्रॉम द थंडर स्टॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे लगभग 6 घंटे के अंदर तुरंत पानी कहीं भर जाए तो वो फ्लैश फ्लड कहलाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं। तो इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो फैक्टर हो सकता है, डैम का ब्रेक हो जाना ये एक फैक्टर हो आपका हो सकता है, अर्बन स्पेस का कॉन्क्रिटाइजेशन होना, ठीक है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर अगर अर्बन स्पेस है उसका कॉन्क्रिटाइजेशन, ये एक बड़ा फैक्टर आपका जो है हो सकता है ना, कि अर्बन एरिया है, पानी निकास की जगह नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, थोड़ी सी बारिश हुई पानी इकट्ठा हो गया तो फ्लैश फ्लड होगा। तो ये फैक्टर्स याद रखना है कि फ्लैश फ्लड के पीछे क्या क्या फैक्टर्स है। नेक्स्ट देखें, देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना है जो मैंने कराए हुए हैं, अभी और भी क्लासेस में मैं कवर कराऊंगा, देखो इस क्लास में कितने हो जाते हैं। तो देखो एक टॉपिक होता है रैट होल माइनिंग, ये रैट होल माइनिंग कहाँ पे है, तो ये मेघालय के अंदर, इसको बैन किया गया बट स्टिल ये, क्योंकि मेघालय में ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जॉब वाली, तो इस वजह से वहाँ लोग इसको आज भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखो, दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विष्णु घाट पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका लोकेटेड है, और ये क्या है, ये एक, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, तो धौली गंगा, याद रखो धौली गंगा प्रोजेक्ट, धौली गंगा जो रिवर है उस पर प्रेजेंट है, ठीक है, धौली गंगा पे प्रेजेंट है, पहला ये याद रखो। दूसरा आप ये भी याद रखो कि दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है और उत्तराखंड में, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या मतलब होता है, देखो जनरली जो भी प्रोजेक्ट आपके होते हैं, जब आप प्रोजेक्ट की बात करो तो जनरली जो भी प्रोजेक्ट आपके होते हैं वो प्रोजेक्ट, जैसे मान लो वो आया डैम में पानी को स्टोर किया जाता है, और फिर जो डैम में पानी स्टोर होता है उसके माध्यम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं,
लेकिन जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है उसमें क्या होता है कि पानी को स्टोर ना करके जो पानी का फ्लो है उसके फोर्स का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट है, इट इज़ ऑल्सो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ये जो आपका विष्णु घाट वाला प्रोजेक्ट है, ये भी आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। ये ध्यान रखना। दूसरा एक टर्म याद रखो जो एक और न्यूज में है, एक होता है GLOF, ठीक है, दैट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। ये एक टॉपिक है, दैट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ठीक है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग? तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का मतलब होता है जैसे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है, बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से बहुत अधिक पिघल रही है। जब बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से ज्यादा आपकी पिघलेगी तो पानी जो है आसपास के, मान लो कोई एक गड्ढा सा इलाका बन जाए, जैसे सपोज करो ग्लेशियर ऊपरी हिस्से में है, पिघल रहे हैं, पानी नीचे बहता हुआ आ रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो जहां भी इकट्ठा हुआ उसको ग्लेशियर लेक बोलेंगे। फिर क्या होता है कि जैसे पानी इकट्ठा होता चला जाता है, जब तक जगह होती है तब तक इकट्ठा होता चला जाता है। सडनली मान लो किसी जगह पे पानी रुका हुआ है वो टूट जाए, ठीक है, जैसे मान लो मोराइंस हैं और कंकड़ पत्थर जो हैं वो एकदम से हट जाएं, तो वो जो पानी वहाँ ग्लेशियर लेक पे इकट्ठा वो नीचे से नीचे तुरंत आएगा बहुत फोर्स में। तो इसकी वजह से जो बाढ़ आती है इसे बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। सिक्किम में देखने को मिलती है। उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे पाइप बना बनाया गया, वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। तो ये फैक्ट याद रखना है कि अभी अभी देखो ये क्या हुआ था, जो विष्णु घाट रीजन है वहाँ पे ये फ्लडिंग देखने को जो है वो मिला था, ठीक है। दूसरा याद रखो, एक टर्म और याद रखो नेक्स्ट टॉपिक में, ये है जिजेरो क्रेटर, ठीक है, जिजेरो क्रेटर। तो जिजेरो क्रेटर क्या है, ये जिजेरो क्रेटर कहाँ प्रेजेंट है, मार्स में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो मार्स की स्टडी करने के लिए नासा ने जो भेज रखा है तो उसका नाम है परसीवरेंस, परसीवरेंस, ठीक है। तो परसीवरेंस के माध्यम से स्टडी किया जा रहा है। तो जिजेरो क्रेटर जो है वो मार्स में लोकेटेड है, वहां पे उतर के और उसकी जो है कंटिन्यूस बेसिस में स्टडी आपकी की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज, जिसे हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, ठीक है। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, जैसे मान लो स्टार है, स्टार, ठीक है, ये मान लो दिस इज ए स्टार, ठीक है, देयर इज दिस टर्म स्टार है, स्टार और ये स्टार है, स्टार और प्लैनेट, स्टार और प्लैनेट। तो ये एक हैबिटेबल जोन है। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या हो गया कि सूरज के बहुत क्लोज भी नहीं है, सूरज से बहुत दूर भी नहीं। अगर सपोज करो सूरज के बहुत क्लोज होगा तो बहुत गर्मी होगी, बहुत दूर होगा तो बहुत ठंडा होगा, तो लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा जोन जहां पे लाइफ सस्टेन कर सकती है, बहुत क्लोज भी नहीं बहुत दूर भी नहीं है, तो उसे गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज गोल्डी लॉक जोन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक टर्म और याद रखो, देयर इज दिस अनदर जोन दैट वी कॉल इट एज टर्मिनेटर जोन, दिस टर्म कॉल्ड एज टर्मिनेटर जोन, ठीक है। हो सकता है आपने पढ़ा हो, शायद ना भी पढ़ा हो, ये मैंने अलग से वीडियोस में आप लोगों को कवर कराए हैं, ठीक है। सेशन देख रहे हो तो UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। एग्रीकल्चर और बायोटेक का करंट अफेयर्स मैंने डाल दिया है, तो उसको देखना जरूर से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म होता है टर्मिनेटर जोन, ये न्यूज में था इस समय। देखो इसका क्या मतलब, मान लो ये सूरज है, मान लो सूरज का मतलब कोई स्टार है, ठीक है। अब दूसरा फिर क्या होगा कि एक इधर एक प्लैनेट है, सपोज करो ये एक प्लैनेट है। अब ये जो प्लैनेट है ये प्लैनेट में, प्लैनेट का ये जो हिस्सा है, इधर सूरज की रोशनी पड़ेगी और इधर जो है ये डार्क रहेगा, ठीक है, डार्क रहता है। और इधर क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती है। अब जनरली कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, बट कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल जो स्टार की वजह से होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हिस्सा होगा ये हमेशा ही स्टार की तरफ रहेगा और ये जो हिस्सा होगा ये हमेशा ही डार्क होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा प्लैनेट क्या है कि अर्थ की बात करो तो वो रोटेट करती है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो प्लैनेट है वो एक ही तरफ को होल्ड करता है स्टार। इट मीन्स व्हाट, ये जो हिस्सा होगा
ये हिस्सा हमेशा सूरज की मतलब स्टार की तरफ होगा, मतलब हमेशा गर्म रहेगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, और ये जो हिस्सा है ये हमेशा डार्क रहेगा। इन दोनों रीजन के बीच में देखो, ये जो प्लेनेट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये हिस्सा पूरे तरीके से सूरज की रोशनी हमेशा इसमें पड़ती रहेगी और ये पूरे तरीके से डार्क होगा। इन दोनों के बीच में एक जोन होता है जिसे हम ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, और ये जो जोन है इसे ही टर्मिनेटर जोन बोलते हैं। इस जोन में क्या वो होता है कि यहाँ से मतलब गर्मी से ठंडी की तरफ ट्रांसफर होना, मतलब यहाँ बहुत गर्म है और यहाँ बहुत डार्क है, बीच में ट्रांजिशन जोन जो है उसको टर्मिनेटर जोन बोलते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो आप याद रखो, गोल्डी लॉक जोन जो होता है वो गोल्डी लॉक जोन जो गोल्ड मतलब जो गोल्डी लॉक जोन है वो गोल्डी लॉक जोन एक हैबिटेबल जोन है जो कि हाईलाइट करता है प्लैनेट की पोजीशनिंग के बारे में। लेकिन टर्मिनेटर जोन जो है वो बेसिकली एक ऐसा इलाका है विद इन द प्लैनेट इटसेल्फ जहाँ पे लाइट और डार्क जो रीजन है उसके बीच का ट्रांजिशन जोन है, और वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ये आपको दोनों के बीच का अंतर ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक है अर्थक्वेक इन चाइना, ये ध्यान रखो, अर्थक्वेक इन चाइना, चाइना में अर्थक्वेक के पीछे क्या फैक्टर है? सिंपल सी बात है, प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ा ही होगा। तो एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, एक तरफ आपका क्या है, यूरेशियन प्लेट है, और नीचे आपका इंडियन प्लेट है। तो जैसे मान लो, सपोज करो कि ये रीजन है, ये चाइना का है, इधर से आपका यूरेशियन प्लेट आ रही है, इधर से आपकी इंडियन प्लेट आ रही है। ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, और इधर आप देखोगे तो ये यूरेशियन प्लेट है, दोनों मिल रही है, यहाँ आपका हिमालय है। तो ये दोनों प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से चाइना में अर्थक्वेक आपका प्रेजेंट रहता है। ये भी आपको ध्यान में जो है वो रखना है। नेक्स्ट है दैट इज क्लाउड बस्ट। ठीक है, क्लाउड बस्ट। अब देखो यहाँ पे एक जो चीज आपको क्लाउड बस्ट से पहले एक चीज जाननी है वो है जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग है जो बिजली कड़कती है, ठीक है, उसके पैटर्न में चेंज, लाइटनिंग है उसके पैटर्न में जो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, लाइटनिंग जो है उसके पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है उसको देखना है। देखो ध्यान समझना कि देखो जो जब लाइटनिंग होती है, जो बिजली क्या बोलता है उसको, जो बिजली लाइटनिंग होती है ना, वो बिजली कड़कती है, उसमें एक मतलब उसको बनने के लिए मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो जनरली पहाड़ी इलाकों में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी इतनी अधिक नहीं होती है, इस वजह से क्योंकि आप कह सकते हो कि जो है जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी इतनी अधिक नहीं होती है। तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में बिजली इतनी ज़्यादा कड़कती नहीं है। प्लेन के जो इलाके होते हैं वहाँ पे बिजली ज़्यादा कड़कती है क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बारिश के टाइम पे रहती ही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो कंडीशंस प्लेन एरिया में हैं वैसी ही कंडीशन जो पहाड़ी इलाकों में भी होने लग गई है, और इसकी वजह से जो लाइटनिंग है वो इन पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिलने लग गई है। ये एक डेवलपमेंट आज के समय में देखना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एक टॉपिक जो आपका आता है दैट इज क्लाउड बस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लाउड बस्ट की कंटिन्यूस अगर बात किया जाए तो क्लाउड बस्ट का मतलब जिसे बादल फटना भी बोलते हैं, ठीक है, बादल फटना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट का मतलब हुआ कि बहुत मतलब क्लाउड बस्ट का मतलब हुआ कि एक ही जगह में बहुत अधिक बारिश हो जाना। तो जैसे मान लो, सपोज करो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है क्लाउड बस्ट, तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ से हवाएं जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी जा रही हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे हवाएं आपकी इस तरीके से जाएंगी, और बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। मॉइस्चर कैरिंग जो कैपेसिटी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है दैट मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जनरली पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि सपोज करो हवाएं गर्म हैं जो कि मॉइस्चर कैरी करती हैं, वो ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं क्योंकि और ज़्यादा गर्म गर्म हो रही है तो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करेंगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तो
देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका लोअर होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बेसिकली आपका लोअर होगा। तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर विल बी लोअर्ड, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा। अब होता क्या है कि जब ये हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, साथ में मॉइस्चर कैरी कर रही हैं, तो ऊपर जैसे जैसे मूव करेंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर लोअर होगा। और जब टेम्परेचर लोअर होगा तो ये जो मॉइस्चर है ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो वेपर है, जैसे जैसे सपोज करो गैस में पानी रखते हो और जब उसमें गर्मी होगी तो वही पानी भाप में बन जाएगा, ठंडा होगा वही भाप पानी में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही फिर मॉइस्चर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है और फिर ये जो बूंदे हैं क्लाउड्स बनाने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं जो जो आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, बारिश वाले जो क्लाउड्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत समय तक ये चलता रहता है और एकदम से इस पहाड़ी इलाके में बहुत अधिक रेनफॉल होती रहती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी और अधिक बढ़ गई है, इस वजह से जो क्लाउड बस्ट की कंडीशंस है वो और देखने को पहाड़ी इलाकों में आज के समय में मिल रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर। और ये जो डेवलपमेंट होता है इसे हम ओरोग्राफिक बोलते हैं, ओरोग्राफिक भी, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज ओरोग्राफिक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे कई बार कई चीज़ें क्लाउड बस्ट जो है आप कह सकते हो कि अगर डेफिनेशन देखो तो लगभग, ये डेफिनेशन याद रखना कि लगभग एक घंटे के अंदर 100 mm की रेनफॉल हो, एक घंटे के अंदर 100 mm की जो है वो रेनफॉल हो जाए, जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल आपकी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल है वो देखने को आपका मिलता है इसमें, तो ये है। और एक क्लॉशियस एक रिलेशनशिप भी होता है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, बेंगलोर में फ्लडिंग की बात करें तो उसके पीछे देखो क्या रीज़न है बेंगलोर की जो फ्लडिंग है। तो देखो कोई भी जगह पे फ्लडिंग का एक बड़ा फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना है, पहला कि यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है कि जैसे कोई भी अर्बन एरिया है वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो बचा नहीं, ठीक है। मान लो वेटलैंड्स हैं और जो भी है जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता था वहाँ तो आपने सब बिल्डिंगें बना दी तो पानी इकट्ठा होता चला जाता, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है नहीं, तो ये फ्लडिंग का एक बड़ा रीज़न है। फिर देखो एक टॉपिक आपका आता है जापान के अराउंड। देखो जापान के अराउंड आपको कुछ जगहों के नाम याद रखने हैं, ये जगहें बहुत न्यूज़ में भी हैं, मैं धीरे धीरे मैपिंग की जो जगहें न्यूज़ में हैं वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा, तो आप लोग उसको गो थ्रू होना। तो देखो यहाँ पे जो आइलैंड्स जैसे पिछली बार आया था तो यहाँ पे देखो कुछ जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे जापान है, जापान के नीचे जो चाइना के साथ डिस्प्यूट है जिसे हम सेनकाकू आइलैंड बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। और उसके बाद सेनकाकू आइलैंड के ऊपर जो समुद्र है उसे सी ऑफ जापान, अगर आपके यहाँ सेटलर्स है तो एक बार देखना उसमें, ठीक है। फिर आपका ऊपर जापान के ऊपर एक इलाका है जिसे हम क्यूरिल आइलैंड बोलते हैं, क्यूरिल आइलैंड रशिया और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है उससे है, तो ये फैक्ट याद रखना है। कई ओशिनिक करेंट्स वहाँ पे आती हैं, जैसे ऊपर एक क्योरोशियो करेंट है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से कई करेंट्स आती हैं जैसे सोया करेंट है इशु गारू करेंट करके एक करेंट है, सुशीमा करेंट है, तो ये दीज आर द डिफरेंट करेंट्स, ठीक है। अलग अलग करेंट्स हैं जैसे क्योरोशियो करेंट है, सोया करेंट है, ओयाशियो करेंट जो कि कोल्ड करेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दीज आर डिफरेंट करेंट्स जो कि प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर डिफरेंट ओशनिक करेंट्स जो कि जापान का इलाका है। तो देखो जापान में ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो जापान में आपको क्या चीज़ें देखनी है, जैसे सपोज करो ये है, ये आपका जापान है ना, ऊपर अगर जैसे ये जापान है, ये पैसिफिक ओशन है पूरा, ठीक है। ऊपर जो आइलैंड्स हैं उन्हें हम क्यूरिल आइलैंड्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्यूरिल आइलैंड्स, ठीक है। और ये रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, नीचे देखोगे जैसे इधर आपका जापान सी लोकेटेड है, ठीक है, इधर फिर आपका ईस्ट चाइना सी लोकेटेड है ना, और यहाँ पे आइलैंड है जिसे सेनकाकू आइलैंड बोलते हैं, जिसमें जापान और चाइना की नहीं बनती पिछली बार था। और नीचे जाओगे तो फिर आपके ताइवान का इलाका आ जाता है, ठीक है, ताइवान और चाइना के बीच का भी लड़ाई चल रही है। फिर फर्दर आपका पैसिफिक आइलैंड भी आपको करके जाना है, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक आइलैंड्स भी, पैसिफिक आइलैंड जैसे किरीबाती, समोया,
पापुआ न्यू गिनिया, ये सब जो आइलैंड्स हैं न्यूज़ में रहे हैं, तो ये इनके बारे में भी आपको पूरे तरीके से जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट वी कॉल इट एज ट्रिपल डिप लानीना इवेंट, है ना, ट्रिपल डिप लानीना इवेंट। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये टर्म यूज है दैट इज ट्रिपल डिप लानीना इवेंट, ठीक है, ट्रिपल डिप लानीना इवेंट। इसका क्या मतलब होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रिपल डिप लानीना इवेंट, इसका मतलब होता है, ठीक है, तो ट्रिपल डिप लानीना इवेंट जो है, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, इट मीन्स व्हाट कि लास्ट जो थ्री इयर्स हैं, कंटिन्यूस थ्री इयर्स हैं, तो उसमें लानीना इवेंट देखने को मिला, ठीक है। 2023 को बोला गया है कि इस साल एल नीनो इवेंट देखने को मिलेगा, है ना, तो एल नीनो इवेंट है और लानीना जो इवेंट लगातार तीन सालों से ट्रिपल डिप लानीना इवेंट। यहाँ पे लानीना हमारे मॉनसून के लिए क्या है, इट इज फेवरेबल, एल नीनो हमारे मॉनसून के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो मैं सेपरेट आप लोग के लिए बनाऊंगा जिसमें हम एल नीनो लानीना और ये एल नीनो है लानीना है, इसके अलावा आपका जो इंडियन ओशन डाइपोल है इनका कनेक्शन आपस में कैसे क्या रहता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो आई विल क्रिएट, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे उस पर ये चीज़ें मैं आपके लिए कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ट्रिपल डिप लानीना इवेंट याद रखना है कि क्या है। दूसरा, साइक्लोन्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइक्लोन्स की अगर बात की जाए तो देखो जो साइक्लोन है इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तरफ आपका है दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, देयर इज दिस साइक्लोन कॉल्ड एज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड अदर साइक्लोन्स दैट वी कॉल इट एज टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ये टेम्परेट साइक्लोन्स में यू हैव अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, ये फैक्ट याद रखना है। जैसे जब दो एयर मास मिलते हैं, सपोज करो एक एयर मास इधर से आ रहा है, दूसरा एयर मास इधर से आ रहा है यहाँ पे, तो जब आपके पास एक एयर मास इधर से आ रहा है एयर मास, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन एरिया है इसको फ्रंट बोलते हैं, है ना। तो एयर मास का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ एयर जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हों, जैसे नॉर्मल लैप्स रेट, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर का सिमिलैरिटी, इन सब एरियाज में सब कुछ सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा एयर मास है जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी प्रेजेंट है, तो उसे हम जो सिमिलर प्रॉपर्टीज आपकी प्रेजेंट है उसे हम वी कॉल इट एज एयर मास। जब दो डिफरेंट एयर मास मिलते हैं फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, तो आपको ये याद रखना जो टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं उसमें फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ऊपर से पोलर एयर मास आता है, नीचे से ट्रॉपिकल एयर मास, सब ट्रॉपिकल एयर मास जो है वो जाता है, एक तरफ वार्म जाता है ऊपर से कोल्ड आता है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है वो है ट्रॉपिकल। देखो हम लोग अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें तो 1.5 घंटे का लेक्चर इसी पे हो सकता है, बट अब वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन में याद रखना 27 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर चाहिए और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, है ना, तो ये कंडीशन आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ 0 से 5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, अब इस ये फैक्ट आप बताना कमेंट सेक्शन में। दूसरा एक चीज़ और याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इन ये डिफरेंट इनके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं इनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब इसमें क्या याद रखना है कि जैसे मान लो जैसे हरिकेन्स हैं, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये आपका अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनते हैं, ठीक है। दूसरा टाइफूंस, ये जो टाइफूंस हैं बेसिकली ये आपके जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में बनते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक, और फिर जनरली एक है जो है साइक्लोन इन जनरल, तो साइक्लोन इन जनरल आपका इंडियन ओशन रीजन में बनते हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं। अलग अलग जो है जैसे साइक्लोन्स होते हैं उनकी नेमिंग की जाती है, जैसे आपके पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है गाइडलाइंस जारी करता है, तो अलग अलग जैसे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, वो नाम सबमिट करते हैं उनके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया नेमिंग जो है वो की जाती है। अलग से टॉपिक आएगा, आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं मैं आपसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। एक याद रखना थमीराबरानी रिवर कहाँ लोकेटेड है, ये पेरेनियल रिवर है और कहाँ प्रेजेंट है,
ये रिवर आपकी प्रेजेंट है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु। और यहाँ पे एक हिल है जिसे हम पोथी घाई हिल्स बोलते हैं, वहां से है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। राम सेतु न्यूज में है तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और ये किसका लाइमस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन्स प्रेजेंट है, ये याद रखना, पॉलिप्स प्रेजेंट है, ये याद रखना। खारसन रीजन आपका कहाँ है, खारसन रीजन लोकेटेड है, खारसन रीजन याद रखना, खारसन रीजन यूक्रेन के, यूक्रेन में लोकेटेड है, ठीक है, यूक्रेन का आप मानो साउथ ईस्टर्न रीजन में आपका प्रेजेंट है, ये भी याद रखना है। बर्किना फासो कहाँ लोकेटेड है, बर्किना फासो जो है वो आपका अफ्रीका का अफ्रीकन रीजन में लोकेटेड, ये सब याद रखना, ये जगहें न्यूज़ में है, बर्किना फासो, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज हाँ नेपाल अर्थक्वेक, नेपाल में अगर अर्थक्वेक है तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप लोग को, जैसे कोई भी अर्थक्वेक आता है उस अर्थक्वेक के लिए टेक्टोनिक थ्योरी तो सभी को पता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सभी को पता है, ठीक है, आई थिंक सभी को पता है इसके बारे में। बट देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सॉइल लिक्विफैक्शन, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज सॉइल लिक्विफैक्शन, ठीक है, ये भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नेपाल रीजन में अगर आप देखोगे तो जनरली वो सबको पता है इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, टकरा रही है, तो वो एक फैक्टर अर्थक्वेक के लिए। बट देर इज ऑल्सो कंसेप्ट कॉल्ड एज सॉइल लिक्विफैक्शन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक इन नेपाल। अब देखो इसमें, देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे लगभग आप ये मानो कि जो काठमांडू का इलाका है उसमें 300 मीटर डीप डीप लेयर प्रेजेंट है, क्ले की लेयर ऑफ क्ले जो है वो आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, जैसे मान लो ये है और इस, ये कोई स्ट्रक्चर है और इसके नीचे क्ले प्रेजेंट है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होगा तो क्योंकि ये इतना नीचे मजबूत नहीं है तो ये पूरा धस सा जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम सॉइल लिक्विफैक्शन शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नेपाल में सॉइल लिक्विफैक्शन भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि 300 मीटर नीचे तक उसमें आपका देर इज दिस प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज जो आपके देर इज दिस प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज 300 मीटर डीप लेयर ऑफ क्ले जो है वो आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो एक ब्रिज है जिसका नाम है सियोम ब्रिज, ठीक है, सियोम ब्रिज कहाँ लोकेटेड, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, फैक्ट याद रखो। एंड ये जो सियोम ब्रिज है, ये सियोम ब्रिज आपकी सियोम रिवर जो कि किस रिवर पे प्रेजेंट है, सियोम रिवर पे, और सियोम रिवर बेसिकली ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये भी याद रखना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है जो विष्णु घाट प्रोजेक्ट है धौली गंगा रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, वो ध्यान रखना। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है ठीक है, जोशीमठ सिरिंगिंग के बारे में बात की जाए, जोशीमठ सिरिंगिंग। अब देखो इसमें इस पर हमने ने बहुत डिस्कशन किया, इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी आपको जोशीमठ सिंकिंग का एक्सप्लेन किया था। तो इसमें कई चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे एक हेलांग बाईपास डेवलप किया जा रहा है, एनटीपीसी तपवन प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक रोपवे वहाँ पे डेवलप कर रहा है, कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। एंड क्योंकि ये हिमालयन फुट हिल्स में जोशीमठ आपका लोकेटेड है, एंड ये देखो जोशीमठ का जो रीजन है ना, वो मान लो पहले एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई, लैंडस्लाइड से जो मिट्टी और ये सब इकट्ठा हुई उसके ऊपर जोशीमठ बना हुआ, लैंडस्लाइड डेब्रिस में बना हुआ है, तो वो इतना स्टेबल नहीं है। उसके अलावा फिर इतने सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं जिस वजह से वो स्लोप की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, तो इतने बड़े घर बने हुए हैं तो इस वजह से क्या, उसे दरार, जैसे मान लो कोई घर बना है इस, है ना, नीचे जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है, जो नीचे प्रेजेंट है, जैसे सपोज करो ये नीचे जो एरिया प्रेजेंट है ये किसी अनस्टेबल लैंडमास प्रेजेंट है, साथ में आप कर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन और ये सब भी कर रहे हो, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जिस वजह से, क्योंकि आप इतना सारा कंस्ट्रक्शन ऑल कर रहे हो तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है जिस वजह से कि क्योंकि स्लोप इतना स्टेबल नहीं है, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्रैक्स जनरेट हो जाएं, या क्योंकि स्टेबल नहीं है नीचे ऐसे होगा तो पूरे घर टूट जाएंगे, तो ये वर्टिकल जो सिंकिंग है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जोशीमठ में जो हुआ है वो है एक फैक्टर। तो यहाँ पे देखो
एक तो पहला याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोग अनस्टेबल एरिया में डेवलप होते चलने दे रहे हैं। फिर एक ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि हर जगह पे पानी जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो पानी जो है उसमें जाता जा रहा है जाता जा रहा है, तो और भी अनस्टेबल हो रहा है रॉक्स के बीच में, और इन सब में पानी जा रहा है तो लैंड और सिंक कर रही है धीरे धीरे जो है सिंक कर रही है। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, इसमें मैंने आपके काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में और भी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी के ऐसे ही टॉपिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स में आप लोग के लिए डेली बेसिस में टॉपिक्स हर दिन आपके आते रहेंगे। आप लोग जरूर से सेशन को लाइक करें, शेयर करें और UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर का कोर्स मैं आपके लिए रन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ, क्लिक करो, SP Live कोड यूज़ करो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। SPLIVE इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोग के लिए, ज़रूर से इसका हिस्सा बने और अपनी जो है प्रिपरेशन में, क्योंकि ज़्यादा इसमें प्राइस नहीं है, अनअकैडमी के अंदर है, तो नीचे जाओगे, क्लिक करोगे, क्लिक करके ओपन होगा और उसमें यू हैव टू पुट द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन करें। एंड जो है आज भी क्लास है उसकी, तो क्लास को भी ज़रूर से अटेंड करें। काफ़ी सारे दूसरे भी टॉपिक्स हम लोग कंटिन्यूस बेसिस में डिस्कस करेंगे, तो उसका भी हिस्सा आप जरूर से बने। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए देखो 2024-2025 के लिए बैच कोर्सेस आ चुके हैं, तो उसमें आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाके UPSC CSC सेलेक्ट करके SPLIVE कोड SPLIVE कोड डाल के, या SP Saurabh SP SAURABH ये कोड डाल करके ज्वाइन कर लो। अभी कई ऑफर चल रहे हैं, साथ में कई सारे दूसरे जैसे फ्री ट्रायल का भी चल रहा है, 7 डेज फ्री ट्रायल, वो भी आप लोग जाके जरूर से करो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, सेकंड पार्ट भी जल्द से आएगा, थैंक यू।